सलमान खान की रेस 3 ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे। बनी साल की सबसे कमाऊ फिल्म सलमान खान की फिल्म रेस 3 शुक्रवार यानी 15 जून को रिलीज हुई। कुछ दर्शकों को फिल्म बहुत पसंद आई तो कुछ को निराशा हाथ लगी। सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म को ट्रोल भी किया। फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। क्रिटिक्स ने अनुमान लगाया था कि फिल्म पहले दिन करीब 32 करोड़ रुपए कमाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि फिल्म ने पहले दिन 29 करोड़ की कमाई की है। वहीं कुछ एनालिस्ट 27 करोड़ भी बता रहे हैं। इसी के साथ यह साल 2018 की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इससे पहले पद्मावत ने पहले दिन 25 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म में सलमान के अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलीन फर्नांडिस और डेजी शाहक भी हैं। खबरों की माने तो फिल्म को 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए कमाने होंगे। हालांकि फिल्म सलमान की है, इसलिए इससे उम्मीद ज्यादा है। बता दें कि फिल्म के सैटेलाइट राइट्स 130 करोड़ रुपए में बिके हैं। इससे पहले सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने 339 करोड़ रुपए कमाए थे। इस वीकेंड तक फिल्म के 70 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है।